विदेश, नया आसमान, नए मौसम, नए दोस्त और नया अकेलापन। यहां हर रोज घर से बस स्टॉप तक आपका नाम पीछे से पुकार कर राम राम कहने वाला कोई नहीं है। 40 साल के राजीव अंकल को अब राजू कहने वाला कोई नहीं है। यहां पड़ोस की पिंकी आंटी भी नहीं जो हर तीसरे दिन आपसे चीनी मांगने आ जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये विदेश है, यहां आप रहते हैं, आपका दिल नहीं। तो अब अपने दिल को समझाना छोड़िए और इसे समझना शुरू कीजिए। रेडियो जिंदगी, विदेश में धड़कता देश का दिल। जिए जा, जिए जा। आज तक पार्टी हुई डीजे के साथ। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो। लेकिन अब पार्टी होगी राजीव पॉल के साथ। पार्टी विद राजीव एवरी सैटरडे फ्रॉम 1 PM टू 2 PM ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जी अजा। नो बाउंसर्स एंड एंट्री एब्सोल्युटली फ्री। वेलकम टू द बिग पार्टी। जी अजा। Thank you.
एक रोज जिंदगी के रूबरू आ बैठे। जिंदगी ने पूछा, दर्द क्या है, क्यों होता है, कहां होता है, ये भी तो पता नहीं चलता। तन्हाई क्या है आखिर, कितने लोग तो हैं, फिर तन्हा क्यों हो। मेरा चेहरा देख के जिंदगी ने कहा, मैं तुम्हारी जुड़वा हूं, मुझसे नाराज ना हुआ करो। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ पंक्तियाँ थी गुलजार जी की लिखी हुई, और अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे कि आज का जो सफ़र है वो होने वाला है गुलजार जी के नाम। यूँ तो गुलजार जी 80 प्लस ईयर्स के हो गए हैं, पर अब भी जब भी वो कविता लिखते हैं तो हर जनरेशन को सोच समझ के लिखते हैं, उनके लिए लिखते हैं। तो आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले दो चार और पंक्तियाँ सुनते हैं गुलजार जी की लिखी हुई इस जनरेशन के नाम, और उसके बाद शुरू करेंगे आज का मीठा सफ़र कुछ मीठी बातों का, गुलजार जी की लिखी हुई कविताओं का और गुलजार जी की लिखे हुए गीतों का। तो ये पंक्तियाँ हैं, खुद से ज़्यादा संभाल के रखता हूँ मोबाइल अपना, खुद से ज़्यादा संभाल के रखता हूँ मोबाइल अपना, क्योंकि रिश्ते सारे तो अब इसी में कैद हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपना सफ़र, सुनते रहिए पार्टी विद राजीव ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए चा बैंक बैलेंस है, यहाँ तक की स्मार्टफोन भी है। तुम्हारे पास क्या है आई? भाई मेरे पास रेडियो जिंदगी है। आई? वेट रेडियो जिंदगी। जी जा।
दोस्तों वेलकम बैक टू पार्टी विद रजीव और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे रजीव। और दोस्तों आज का जो सफर है वो गुलजार जी के साथ है, उनकी लिखी कविताओं के साथ है। और ये जो अगली कुछ पंक्तियां एक छोटी सी कविता मैं आपके लिए लेके आया हूं वो यादों से जुड़ी हुई हैं, बचपन की यादों से जुड़ी हुई हैं और प्यार से जुड़ी हुई हैं, बचपन के प्यार की यादों से जुड़ी हुई हैं। तो सुनते हैं ये कुछ पंक्तियां, बहुत ही प्यारी सी। कभी कभी उसके शहर जाता हूँ तो गुजरता हूँ उस गली से, वो नीम तारीख सी गली, और उसी के नुक्कड़ पे ऊंघता पुराना एक रोशनी का खंभा, उसी के नीचे तमाम शब इंतजार करके मैं छोड़ आया था शहर उसका। बहुत ही खस्ता सी रोशनी की छड़ी को टेके वो खंभा अब भी वहीं खड़ा है। मैं खंभे के पास जाकर नजर बचाकर मोहल्ले वालों की पूछ लेता हूँ आज भी, वो मेरे जाने के बाद आई तो नहीं थी, वो आई थी क्या? दोस्तों से झूठी मूठी दूसरों का नाम लेके फिर मेरी बातें करना, यारा रात से दिन करना। Yeah.
दोस्तों वेलकम बैक टू पार्टी विद रजीव और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे रजीव। और आज के प्रोग्राम में दोस्तों हम सुन रहे हैं गुलजार जी की लिखी हुई कुछ कविताएं और उन्हीं के लिखे हुए गाने जो आज के प्रोग्राम में हम गाने के रूप में सुन रहे हैं। तो सुनते ही ये अगली बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कविता, बहुत ही रोमांटिक। कितने प्यार से गुलजार जी ने माशूक की यादों को इन शब्दों में पिरोया है। तकिए पे तेरे सर का वो टिप्पा है पड़ा है, चादर में तेरे जिस्म की वो सौंधी सी खुशबू, हाथों में महकता है तेरे चेहरे का एहसास, माथे पे तेरे होठों की मोहर लगी है। तू इतनी करीब है कि तुझे देखूं तो कैसे देखूं, थोड़ी सी अलग हो तो तेरे चेहरे को देखूं। दोस्तों ऐसे खूबसूरत शब्द के बाद मैं अब और क्या कहूं। चलिए सुन लेते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना। सुनते रहिए पॉडी विद रजीव ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जा जहां रात पास हो
बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। घर याद रहे। आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी जीजा। क्या लग मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मुझे जान लग मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। गुलजार जी अपनी कलम से सिर्फ रोमांटिक प्यार भरी कविता ही नहीं लिखते हैं, पर वो बचपन से जुड़ी, बचपन की यादों से जुड़ी हुई भी बहुत ही प्यारी प्यारी कविताएं लिखते हैं। जैसे कि ये अगली कविता जो बहुत ही प्यारी सी है, चलो कुछ पुराने दोस्तों के दरवाजे खटखटाते हैं, देखते हैं उनके पंख थक चुके हैं या अब भी फड़फड़ाते हैं, हंसते हैं खिलखिलाकर या होंठ बंद करके मुस्कुराते हैं, वो सुना देते हैं सारी आप बीती या सिर्फ सफलताएं सुनाते हैं, हमारा चेहरा देख वो अपने पन से मुस्कुराते हैं या घड़ी की ओर देखकर हमें जाने का वक्त बताते हैं, चलो कुछ पुराने दोस्तों के दरवाजे खटखटाते हैं।
रहे ना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना हो तेरे बिना जिया जाए ना। आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी जिए जा।
दोस्तों, इस गाने से पहले हमने गुलजार जी की लिखी हुई एक छोटी सी कविता सुनी जो हमें बचपन के दिनों में ले गई और हमारे बचपन के दिनों में अपने दोस्तों के साथ मिला बैठी। तो उससे ही प्रेरित होकर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। जब मैं छोटा था शायद दोस्ती बहुत गहरी हुआ करती थी। दिन भर वो हजूम बना के खेलना, वो दोस्तों के घर घुसकर उनकी माँ का बनाया खाना खाना, दिन भर बाहर कंचे खेलना, दोस्तों के साथ पतंग उड़ाना, साइकिल पे बैठ के मोहल्ले के किसी कोने में इकट्ठा होना, लड़कियों की बातें करना और उन धूल से सनी कपड़ों में अपने आप को अमिताभ बच्चन समझना। अब वो दोस्ती कहाँ? SMS में मैसेज आते हैं, फेसबुक पे लाइक होते हैं, व्हाट्सएप पे जोक भेजे जाते हैं, फिर कॉपी और पेस्ट किए जाते हैं, दोस्तों को फोन करके उनके घर जाते हैं। शायद आज भी दोस्ती कहीं गहरी है पर समय बदल गया है। दोस्तों, ये कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने गुलजार जी से प्रेरित होकर लिखी हैं और आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होंगी। चलिए सुनते हैं ये अगला गाना। सुनते रहिए पॉडी विद राजीव, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जा। एक बात कहूं, सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी। जिए जा।
कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो, कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो।
Excuse me, listen. आप सुन रहे रेडियो जिंदगी, जिए जा मैन। दोस्तों, जिंदगी की दौड़ में हम कितना कुछ चाहते हैं, कितना कुछ समेटते हैं। हमें ये भी चाहिए और वो भी, पर इस दौड़ती जिंदगी में थोड़ी सांस तो लो। जिंदगी के इस मोड़ पे अपनों को पास तो लो। ख्वाबों से भरा पड़ा है घर इस कदर, रिश्ते जरा सी जगह को तरसते हैं।
दोस्तों, सफर कितना भी मीठा हो, अंत में बाय बाय बोलना ही पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अब वो समय हो गया है जब मैं कहता हूँ आपसे बाय बाय, टाटा, सायोनारा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया गुलजार जी की कुछ कविताएं और उनके ही लिखे हुए गाने जो हम सब ने मिलके सुने। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। फॉर एनी फीडबैक यू कैन राइट मी एट rajivradiozindagi@gmail.com और थ्रू माई फेसबुक पेज आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, साइनिंग ऑफ विद अ बिग हग एंड लॉट्स ऑफ लव। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, लेके आएंगे कुछ और मीठी बातें और बहुत सारे प्यारे। तब तक के लिए जिए जा। इस मोड़ से जाते हैं।
की हवेली को शीशे के घरों दो ने दिन को के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं।